क्लास की हिंदी है और हिंदी का दूसरा पाठ है लहासा की ओर। उसका लेखक है राहुल सांस्कृत्यान। इसको हम लेखक परिचय कल पढ़ लिया था, आज हम पाठ का सारा पाठ पढ़ेंगे। लहासा की ओर पाठ में राहुल सांस्कृत्यान द्वारा सन 1930 ईस्वी में की गई तिब्बत यात्रा का वर्णन है। जो ये लेखक है जो 1930 में तिब्बत की यात्रा की है उसके बारे में ये लिख रहा है। नेपाल तिब्बत मार्ग का परिचय, इसमें नेपाल और तिब्बत मार्ग का परिचय बताया गया है। नेपाल से तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहा है। हरी कलिंग पौंड मार्ग खुलने से पहले नेपाल और भारत के साथ तिब्बत में व्यापार का यही मार्ग था। इसका सैनिक कार्यों के लिए भी प्रयोग होता था। इस मार्ग पर अनेक पुराने किले और चौकियां स्थित हैं। कभी इनमें चीनी सैनिक रहा करते थे, आज उनमें से कुछ किलों में तिब्बती किसानों की बस्तियां हैं। अब देखते हैं आगे। तिब्बती समाज खुला हुआ है, जहां जाति पाति छुआछूत और पर्दा नहीं है। अपरिचित लोग भी घरों में जाकर अपने लिए चाय बनवा सकते हैं या स्वयं बनाकर ला सकते हैं। यहाँ चाय मक्खन नमक और सोडा मिलाकर तैयार की जाती है। चाय बनाई जाती है मक्खन और सोडा वगैरह मिला के, खोटी नामक टोटीदार बर्तन में भरकर दी जाती है। बर्तन का नाम है कोई खोटी, तो उसका टोटीदार यानी कि उसके नर लगा हुआ हो ऐसे बर्तन में भर के दी जाती है। ठहरने का प्रबंध है, वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था क्या होती है देखो। उजाड़ चीनी किले से, जो चीनी किले हैं जो उजाड़े हुए हैं, चलते समय लेखक से राहदारी मांगने एक व्यक्ति आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमती की चीटे उसे सौंप दी। चीटे सौंप दी, भीखमंगो जैसी वेशभूषा होने पर भी सुमती की जान पहचान के कारण ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। यानी कि उसकी भीख मांगो जैसी हो रहा था वो, फिर भी उसको अच्छी जगह मिल गई। और इसमें आया है बीच में राहदारी यानी कि यात्रा का जो कर होता है वो होता है। अब देखो, डांडा डोंडला से गुजरना नाम है। डांडा डोंडला की यात्रा बड़ी खतरनाक थी। डांडे बहुत ऊंचाई से गुजरते हैं, यहाँ दूर दूर तक बस्तियाँ नहीं दिखाई देती। यहाँ डाकों का भी भय बना रहता है। जहाँ पर इंसानी बस्तियाँ नहीं होती है, जंगल वगैरह होता है, वहाँ पर डाकू तो अपने आप ही रहने लग जाते हैं, पनप जाते हैं समझो। वो ऐसी जगह देखते हैं डाकू। लेखक को भीख मांगे वेश के कारण डाकों की चिंता नहीं थी। जहाँ कहीं ऐसा संकट आता तो वे टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। कुची कुची वो उसको बोलता, भीख मांगने का तरीका होता है, तो उसको डाकू का डर नहीं था। अब आगे पढ़ते हैं। लंकोर जाने के लिए लेखक और सहयात्री सुमती ने घोड़ों की व्यवस्था की। मार्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता के सिंहों, रंग बिरंगे कपड़ों और झड़ियों से सजे थान बने हुए थे, झंडियों से सजे हुए थान। जैसे हमारे यहाँ किसी का स्थान होता है, थान होता है, रामदेव बाबा का थान, तेजा जी का थान, ऐसे स्थान होते हैं मंदिरों का, उसको बोला जाता है। चबूतरा वगैरह बने होते हैं उसको कहते हैं। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था, वह साथियों से पीछे रह गया और रास्ता भटक गया। बहुत देर से पहुंचने पर प्रतीक्षा में खड़े सुमती ने लेखक पर बड़ा क्रोध किया, लेकिन घोड़े की दशा बताए जाने पर क्रोध ठंडा हो गया। लंकोर में भी लेखक को सुमती की कृपा से ठहरने के लिए अच्छा स्थान और भोजन मिला। तिंगरी से शेखर विहार,
लेखक तिंगरी तिंगरी तिंगड़ी के विशाल मैदान में था। इस मैदान में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम तिंगड़ी समाधि गिरी था। आस पास के गांवों में सुमती यजमान थे, यानी मेहमान। वह गंडे बांट कर दक्षिणा बटोरने चाहता जाना चाहते थे। इसमें बहुत समय लगने की आशंका थी, अतः लेखक ने उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति का वायदा करके उन्हें जाने से रोका कि तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। आगे की यात्रा काफी कष्टप्रद रही। देर से चलने के कारण कोई बोझा ढोने वाला न मिला, सामान पीठ पर ढोना पड़ा। साथ ही तिब्बत की गर्मी और सर्दी का विलक्षण मेल भी झेलना पड़ा। सर्दी शरीर का सूरज की ओर वाला भाग तप रहा था और पीछे कंधे बर्फ हो रहे थे। शेखर विहार की खेती के प्रबंधक बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने लेखक का प्रेम से स्वागत किया। यहाँ एक मंदिर में बौद्ध धर्म के 103 हस्तलिखित ग्रंथ थे। लेखक ने वहीं अपना आसन लगाया और पुस्तकों के अध्ययन में डूब गया। सुमती अपने यजमान के पास चल दिए। दोपहर बाद लेखक ने आगे की यात्रा आरंभ की। स्टूडेंट, ये अपना चैप्टर क्लोज हो गया है।